छोटे भाई छोटे बहन, इस दिवाली वैकेशन में अगर घर बैठे बैठे बोर हो रहे हो तो मेरे पर्सनल फेवरेट 5 ऑसम डिज्नी मूवीज है जो तुम्हें इंस्पायर करके तुम्हारे दिल में बस जाएंगे। और फिफ्थ वाला तो मैं श्योर हूँ तुम में से किसी ने नहीं देखा होगा। फर्स्ट, एक चूहा जो पैशनेट है कुकिंग के लिए और फ्रांस का सबसे बेहतरीन बावर्ची बनना चाहता है, फिल्म रैटाटुई एक कम्प्लीट मास्टरपीस है। सेकंड, एक लड़के की कहानी जो सिंगर बनना चाहता है जबकि उसकी फैमिली में म्यूजिक कम्प्लीटली बैंड है। फिल्म कोको ट्विस्ट और इमोशन से भरी एक रोलर कोस्टर राइड है। और इस फिल्म के क्लाइमैक्स में जब रिमेम्बर मी गाना बजता है यार मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। थर्ड, एक इंसान जो अपनी वाइफ दिया हुआ वादा पूरा करने के लिए अपने घर को गुब्बारों से हवा में उड़ा के आसमान में एक लंबा सफर और एडवेंचर करता है। मूवी अपने मुझे सिखाया अगर एक बार किसी को वादा कर दो ना तो अपनी जान लगा दो उसको निभाने के लिए। फोर्थ, एक आम लड़की की कहानी जिसकी तकदीर में कुछ खास काम करना लिखा था और खुद समंदर उसका दोस्त था। फिल्म मुआना तुम्हें भीड़ से हट के ब्रेव बनना सिखाएगी। और फाइनली फिफ्थ, क्या हमें जिंदगी में मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट कर ऑर्डिनरी तरीके से जीना चाहिए या फिर हम सबकी लाइफ का कोई पर्पस भी है? बाकी सारी एनिमेटेड फिल्मों से बिल्कुल अलग सीधा हमारी कोर रियलिटी पे क्वेश्चन कर फिल्म सोल हमारा नजरिया बदल देती है।